नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी भर्ती की जानकारी जो कि निकली है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2834 पदों पर ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती निकली है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। यदि हम पदों की संख्या व पदों के नाम की बात करें तो ग्रामीण डाक सेवक में BPM, ABPM और डाक सेवक के कुल 2834 पद निकले हुए हैं। यदि हम इन पदों के लिए योग्यता की बात करें तो आवेदक किसी भी बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ उसके पास कंप्यूटर का भी अनुभव होना चाहिए एवं लोकल भाषा का ज्ञान आवश्यक है। यदि हम इन पदों के लिए आयु सीमा की बात करें तो आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए एवं आयु में छूट शासन के नियमानुसार रहेगी। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 8 जून 2020 से एवं आवेदन की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2020 रहेगी। आवेदन के शुल्क की बात करें तो OBC एवं जनरल के लिए ₹100, ST व SC के लिए यह आवेदन निःशुल्क रहेगा एवं सभी प्रकार की महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क रहेगा। ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है? भारतीय पोस्ट ऑफिस ने अपनी सभी योजनाओं के विषय में देश के प्रत्येक नागरिक तक जानकारी पहुंचाने के लिए ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती कराने की योजना बनाई है, जिससे सभी लोग सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इस भर्ती के अंतर्गत अभ्यर्थी का चयन ग्रामीण प्रदेश में किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके। ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट ऑफिस की सारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। इस वीडियो में आपको ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है, उसकी योग्यता, वेतन और कार्य के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को। ग्रामीण डाक सेवक भारतीय पोस्ट ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है, इसलिए सरकार इस विभाग के माध्यम से अपनी योजनाओं को विस्तार देना चाहती है। अधिकांश देखा गया है कि ग्रामीण परिवेश में योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं हो पाती है, जिससे बहुत से लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक पद पर भर्ती करने का निर्णय लिया। इन पदों पर भर्ती राज्य के अनुसार होती है। इनका मुख्य कार्य ऑफिस की सभी योजनाओं के विषय में सभी ग्रामीणों को परिचित करवाना है, जिससे वह इसका लाभ प्राप्त कर सकें। आइए हम जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए क्या आवश्यक है। ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना जारी की जाती है। इस अधिसूचना के अंतर्गत सभी भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल रखी गई है। इसमें भर्ती मेरिट के आधार पर की जाएगी, इसलिए जिनके अंक हाई स्कूल में अच्छे हैं उनको यह जॉब आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आवेदन करने के उपरांत मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। मेरिट में आने के पश्चात आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर आपको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। आवश्यक योग्यताएं। ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विषय के साथ 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार को न्यूनतम 60 दिवस की अवधि का कंप्यूटर कोर्स किसी ऐसे संस्थान से किया हुआ होना चाहिए जो कि केंद्र या राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हो। आयु सीमा। ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा सरकार के नियमानुसार छूट दी जाती है। व्यक्तिगत योग्यताएँ। अभ्यर्थी को व्यवहार कुशल होना चाहिए, जिससे वह अपने क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी दे सके। ग्रामीण परिवेश में रहने की जानकारी होना चाहिए, जिससे वह ग्रामीणों की समस्या के अनुसार उनको योजना की सही से जानकारी दे पाएगा। साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ग्रामीण डाक सेवक का कार्य पोस्ट ऑफिस की सभी योजनाओं के विषय में सभी को जानकारी प्रदान करना और उनकी सहायता करना, जैसे फार्म भरना, उनको सही से सबमिट करवाना इत्यादि। ग्रामीण डाक सेवक का वेतन। ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नियमित विभागीय कर्मचारी के अनुसार सैलरी नहीं दी जाती है। इस पद पर टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेंस TRCA के अनुसार भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ पर हमने आपको ग्रामीण डाक सेवक के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई। यदि इस जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है अथवा
इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके द्वारा की गई प्रतिक्रिया और सुझावों का इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।